इस बार गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लू के थपेड़े लगने लगे हैं, गर्मी का टॉर्चर शुरू हो चुका है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही दिल्ली यूपी में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी आग का गोला बनकर बरसने लगी है। इस बार मार्च महीने से ही भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। जानकारी के मुताबिक मार्च की गर्मी ने 121 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वहीं अब मौसम वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि 2 से 4 डिग्री तक और भी तापमान बढ़ सकता है। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए शहर शहर गर्मी का हाल। गर्मी का टॉर्चर, शहर शहर गर्मी का कहर, गर्मी से लोग बेहाल, लू के थपेड़ों से बचियो। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार गर्मी का सीजन ऐसे शुरू होगा। माना जाता है कि होली के बाद गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार तो गर्मी की शुरुआत नहीं बल्कि अटैक हुआ। गर्मी ने शुरू होने से पहले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 121 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने मार्च महीने में तोड़ा। मार्च में ही कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार गर्मी और कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और कितने नए रिकॉर्ड बनाने वाली है। अंदाजा लगा लीजिए आम लोग इस बार गर्मी से कितने परेशान होने वाले हैं। और अभी भी दिल्ली यूपी में बारिश के कोई आसार नहीं है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आफत और भी बढ़ेगी। 2 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं लू के थपेड़े भी शुरू हो चुके हैं। शहर शहर गर्मी का टॉर्चर शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको ताज नगरी लिए चलते हैं, जहां कोई गर्मी से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा ढक रहा है, तो कोई अपने सिर पर पानी डाल रहा है, कोई नींबू पानी पी रहा है, तो ठंडा जूस पी रहा है। इतना ही नहीं, जब आम लोगों से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी से उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। हाँ, गर्मी बहुत तेज हो रही है, धूप में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर क्या करें, निकलना तो। हाँ, ऐसी तपिश है, ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने कुछ आग बरसाई हो बादल से। बहुत गर्मी हो रही है ना, निकलना मुश्किल हो रहा होगा। कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो रहा है निकलना। निकलना जरूरी हो जाए? हाँ, वो तो निकलना जरूरी है। गाजियाबाद में भी चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप देखने को मिला, जहां दिन में लोग कम ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। और जो अपने जरूरी काम के लिए बाहर निकलते भी हैं, वो गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम, नारियल का पानी या ठंडे जूस और ठंडी लस्सी का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। अप्रैल में गर्मी का सितम देखकर लोग ये कहते हुए नजर आए कि अगर अभी से ये हाल है तो आगे जून जुलाई की गर्मी में क्या होगा। देश में इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, और गर्मी से निजात पाने के लिए सड़कों पे इस प्रकार से गन्ने के जूस का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, गर्मी का आलम बनते ही बनता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से सड़कों के जो किनारे पे जो जूस के जो कॉर्नर होते हैं, उन पर काफ़ी संख्या में इस समय भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी से बचना भी और साथ ही एक आनंद है जूस का, वो भी लेना है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि लोग बागों में इस बार काफ़ी वो है। भैया, गर्मी किस प्रकार से इस बार दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो तो? हाँ जी, बहुत गर्मी है जी, ज़्यादा गर्मी है जी। तो जूस से कहीं ना कहीं आप इस गर्मी को कम करने का प्रयास कर रहे होंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कैसे देखते हैं गर्मी इस बार, कितनी तेजी से पड़ रही है, क्योंकि अप्रैल का महीना है और जून जुलाई की गर्मी दिखाई बहुत ज्यादा पड़ रही है भैया। और जब अभी इतनी पड़ रही है तो आगे क्या रहा होगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यदि मैं बात करूँ जूस के जो मालिक है, ये ओनर है, काम करते हैं, ये बताइए गर्मी का महीना शुरू हो चुका है, इस बार किस प्रकार का व्यापार हो रहा है, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है? हाँ जी, अच्छा हो रहा है, गर्मी के उससे अच्छा जूस बिकता है। मतलब कि अमूमन अप्रैल में इस प्रकार का नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का अप्रैल में गर्मी दिखाई दे रही है, उससे व्यापार आपका अच्छा है? अच्छा है। देखिए, बिल्कुल व्यापार लोगों का अच्छा है। तस्वीरों में मैं और दिखा देता हूँ कि और भी जो यात्री है, दैनिक यात्री, वो यहाँ पे रुकते हैं और कहीं ना कहीं आनंद ले रहे हैं गर्मी का। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, भाई साहब आप ये बताइए
अप्रैल का महीना है और चिलचिलाती धूप में गर्मी से बचने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, गर्मी का प्रकोप तो बढ़ता जा रहा है, अब इसी के लिए एक निजात के लिए हम गन्ने का जूस या मौसमी का जूस इसी का सहारा ले रहे हैं, जो हमें अच्छा प्रदान करता है, शरीर भी थोड़ा ठंडा रहता है, गर्मी से भी बचाता है, गर्मी से बचाता है। देखिए, बिल्कुल जो लोग बाग हैं वो गर्मी से बचने के लिए लगातार पेय पदार्थ का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो गन्ने का रस हो या फिर अन्य जूस हो। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार की गर्मी अप्रैल के महीने में पड़ रही है और आने वाले समय में किस प्रकार की गर्मी रहेगी, ये तो देखते ही बनती है। मेरठ में भी जगह बदली है लेकिन तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही नजर आई। यहाँ भी लोग यही कहते हुए नजर आए कि गर्मी है, इसलिए जूस पीने आए हैं। जूस पीकर गर्मी से राहत मिलती है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, लगातार गर्मी ने लोगों को हल्का किया हुआ है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोग जूसी फल खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं। मेरे पीछे देखेंगे यहाँ जो जूस वाला है, रस वाला, उसकी कतार लगी हुई है। सर, आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। ये बताइए, गर्मी पड़ने लगी, अब गर्मी से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ठंडा तरावट आएगी, ठंडा ठंडा जूस भी हो। हाँ, तो गर्मी से समस्याएं होने लगी हैं? नहीं, अभी अभी नहीं, कभी कम हल्की हैं, अभी तो हल्की हैं। बिजली की दिक्कत तो नहीं? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है जी। ये बताइए, गर्मी बढ़ने लगी है, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत दिक्कत हो गई है, पर लाइट का बहुत अच्छा है, लाइट आ रही है हमारे यहाँ, मोदी सरकार में लाइट है हमारे पास। ये लाइट है तो गर्मी से रिलीफ भी मिल रहा है? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सईद अहमद। ये बताइए, गर्मी रात का टेम्परेचर तो अभी ठंडा है, लेकिन दिन होते होते 38 डिग्री तक पहुँच जाता है। अनुमान है कि आने वाले 10 दिनों में ये टेम्परेचर 40 तक पहुँचेगा, कितनी क्या लग रहा है आपको, गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा? और वर्तमान में गर्मी पड़ रही, कितनी दिक्कतें हैं अभी? ये गर्मी बढ़ेगी, आगे आगे जितनी भी पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, गर्मी से ज़्यादा ही पॉल्यूशन खराब होती जा रही है, अब ये बीमारी भी फैलती जा रही है। देखिए, गर्मी तो बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, जूस पी रहे हैं। मेरे साथ एक सज्जन और है। सर, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र। ये बताइए, गर्मी पड़ने लगी है, आप स्कूटर से आए हैं, आपको गला तर करने के लिए जूस वाले के यहाँ रुकना पड़ा? हाँ, तरावट के करना रुकना पड़ा। दिक्कतें हैं गर्मी से कुछ ऐसा तो अभी बढ़ जाए, बिजली की परेशानी और चीज़ें? बिजली की कोई परेशानी नहीं है, बिजली सही आ रही है। तो देखिए, गर्मी जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे ही जो लोग हैं, देखिए किस तरीके से बच्चा है, छोटे बच्ची है और उनकी मदर है, यहाँ जूस पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम ब्रह्मपुरी से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? यही आए थे पर मार्केट में शॉपिंग के लिए। अच्छा अच्छा, तो गर्मी लगी आपको? बहुत तेज। फिर क्या किया? हमने सोचा भाई जूस पी ले, थोड़ा सा शरीर को आराम मिलेगा जूस से। तो बच्चे हैं, छोटे छोटे, दिक्कत तो होती है गर्मी से? बस अब थोड़ा मजबूरी में निकलना पड़ता है बाहर। अच्छा, ये बताइए, आप पहले कितना काम था आपका, चूँकि अब लगी है तो कुछ काम बढ़ा है गर्मी के चलते? गर्मी के चलते ज़्यादा काम हुआ है, पहले कम था काम, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और भी ज़्यादा होगा काम। तो ये बताइए, जो गर्मी, अब टेम्परेचर 40 डिग्री होने को संभावना बताई जा रही है, मौसम विभाग का कहना है, तो लोग कितनी तादाद में आपके यहाँ आते हैं जूस पीने के लिए? काफ़ी लोग आते हैं जूस पीने के लिए, बहुत भीड़ रहती है हमारे यहाँ, जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी। मैंने देखा कि आसपास यहाँ कोई जूस वाला नहीं है, कोई रस वाला नहीं है, तो ऐसा क्या पूरे इलाके के लोग आपके यहाँ आते हैं या फिर और जूस की दुकानें लगेगी यहाँ पे? जूस की कोई दुकान नहीं लगेगी, बहुत सारे इलाके के लोग हमारे पास ही आएंगे, पूरे माधोपुरम के ज़्यादातर लोग। देखिए, यहाँ आसपास देखा गया है कि जूस की दुकान कम है, तो इसी के चलते जो लोग हैं यहाँ ज़्यादातर पहुँचते हैं, अलग इस तरह से गर्मी भविष्य में बढ़ेगी उसी तरीके से लोगों का जो रुझान होगा वो जूसी फल की तरफ होगा या रस की तरफ होगा या जूस की तरफ होगा, ये लोग ठंडा पानी बांटने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में गर्मी बढ़ रही है, हालांकि मौसम विभाग का कहना है, अनुमान है कि आने वाले 10 दिनों में टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंचेगा। हालांकि रात की अगर बात करें तो रात को टेम्परेचर अभी ठंडा रहता है सामान्य से, लेकिन दिन की अगर बात करें तो दिन में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि इस महीने में ही 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच सकता है। बात अगर संगम नगरी प्रयागराज की करें तो वहाँ का पारा भी 7वें आसमान पर है। लोगों ने दोपहर में घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग जूस
या नारियल पानी का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग पेड़ लगाने और पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील भी कर रहे हैं। मेरे लोगों से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जगह जगह पक्षियों के लिए पानी रखें, कटोरी में या किसी प्लेट में पानी रखें पक्षियों के लिए, जिससे कि ये पक्षी जो है पानी पी सकें। आज की स्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि 42 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं है। जो मई जून में गर्मी पड़नी चाहिए वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग को एहसास होने लगा है। लेकिन यहीं कई चौराहे चौराहे पे हम लोग कई चौराहे आते हुए देखा गया कि पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि चौराहे चौराहे पे पेयजल की व्यवस्था हो, जिससे आम जनता को पानी की दिक्कतें ना हो। अगर बात करें धार्मिक नगरी वाराणसी की, तो वहां भी पारा 41 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। दोपहर में सन्नाटा छा जाता है। इतना ही नहीं, मार्च में औसत से भी ज्यादा गर्मी होने के कारण फूलों के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। नारियल पानी है, डाब है और बनारसी गमछा, इसको रख के अपनी बचत कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दोपहर 12 बजे बस नाटक छा जा रहा है। रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है इस बार। बहुत परेशानी हो रही है, क्या टेम्परेचर में घूमने में जाने में आने में बहुत दिक्कत पर सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। घाटों पर, सड़कों पर जहां लोगों की भीड़ दिखाई देती थी, अब दोपहर होते ही सन्नाटा पसर जा रहा है। बात करें घाटों की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन घाटों पर श्रद्धालु और जहां टूरिस्ट और लोगों की भीड़ दिखाई देती थी, घाट जो है वो सूना पड़ा है। नावें जो है जो गंगा के लहरों में खेलती नजर आती थी, वो अब घाटों पर खड़ी हैं। बात करें किसानों की, जो फूलों की खेती करते हैं, तो वो भी लगातार चिंता में आ रहे हैं कि गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे फूल मुरझा रहे हैं। और जो लोग हैं, जो टूरिस्ट है, वो गर्मी से परेशान होकर द्रव्य पदार्थ की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, जैसे कि नारियल पानी है, सिकंजी है, और लोग जो है तपती गर्मी को देखते हुए लगातार परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो अभी मई और जून की गर्मी तो बाकी ही है। तो देखा आपने किस तरह लोग गर्मी से परेशान है। लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन रोजमर्रा के काम के लिए निकलना ही पड़ता है। और गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे जूस का सहारा ले रहे हैं, तो कोई नींबू पानी पी रहा है। अपने अपने तरीके से लोग गर्मी से निजात पाने की कोशिशें भी करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।